नेक्स्ट अगर जनरेटर स्टार्ट करना है हमें तो जनरेटर से पहले दो तरह के करंट को समझना होगा दैट इज डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेट करंट अब तक हमने सुना था कि डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है एक सर्किट में जो कि सेल्स या बैटरीज प्रोड्यूस करती है बट इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर इसे एक तरीके से समझ लेते हैं लाइक like हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट की डायरेक्शन हर एक सेकंड में चेंज होती है एक बार वो करंट की डायरेक्शन उस सर्किट में लेफ्ट होती है एक बार करंट की डायरेक्शन राइट right होती है हर सेकंड। तो हर सेकंड अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है इस सर्किट में विच मींस ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती हो एक सर्किट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस टाइप के करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेट करंट ऑल्टरनेट वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऐसा करंट जो फिक्स ना हो नेक्स्ट डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर सर्किट में हमेशा फिक्स रहती है अगर वो लेफ्ट से राइट right मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती और डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट को और अच्छे से समझते हैं हम ऑल्टरनेट करेंट जनरेटर और डायरेक्ट करेंट जनरेटर से हमने अब तक डायरेक्ट करंट मोटर के बारे में पढ़ा है हमने अभी तक डायरेक्ट करेंट मोटर को देखा है जिसमें हम खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो जिसकी वजह से उस मोटर की कॉइल रोटेट करती है बट अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम ऑल्टरनेट और डायरेक्ट करंट की एक बेटर डेफिनेशन देखेंगे इनके ग्राफ्स भी प्लॉट करेंगे कि ऑल्टरनेट करंट का कैसा ग्राफ होता है और डायरेक्ट करंट का कैसा ग्राफ होता है